दोस्तों ऐसे लग रहा है कि 2018-2019 द गोल्डन एरा ऑफ बाइंग स्मार्टफोन जो था वो वापस आ रहा है। जी हाँ, प्राइसेस जो है सही में फोन्स के बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड पोको M6 Pro इज नो डिफरेंट। ये जो फोन है दोस्तों 10,000 के नीचे आने वाला है और क्या कहूं, ग्लास बैक के साथ है, ये 5G फोन है, दिस इज प्रोबेबली द चीपेस्ट 5G फोन आउट देयर। परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूं, दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फोन। लेट्स ओपन ब्लैक येलो बॉक्स। ऑलराइट, बड़ा फोन है, नॉट वेरी हैवी, ठीक है, देखते हैं, सब बात करेंगे, लेकिन बॉक्स के अंदर क्या है देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो सिम कार्ड टूल, केस भी आती है, डॉक्यूमेंटेशन, नाइस काइंड ऑफ फ्रॉस्टेड TPU केस है, अच्छे क्वालिटी की है, 22.5 वॉट का एडाप्टर है, लेकिन फोन जो है वो सपोर्ट करता है 18 वॉट को एंड USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। जी हाँ, दैट्स इट। चलिए, लेट्स कीप दिस असाइड, फोन के पास देखते हैं। वैसे दोस्तों ये जो फोन है इसके स्पेसिफिकेशंस बहुत सिमिलर है, एक फोन अभी अभी लॉन्च हुआ है उसका, बताइए नीचे कमेंट्स में कौन सा है फोन। आई एम श्योर इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओ माय गॉड, लुक एट दैट, नाइस। ऊपर वो जो फेमिलियर पोको का डिजाइन आता है, वो ब्लैक आइलैंड जो है ऊपर, उसके अंदर कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह, लुक्स वेरी नाइस। एंड यस, दिस इज ग्लास बैक। फोन वैसे स्लाइटली बड़ा है, बड़े हाथ होंगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, बट उतना ज्यादा वजन नहीं लग रहा है एंड फ्लैट साइड्स हैं। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ क्विकली देख लेते हैं। दोस्तों नीचे की तरफ माइक्रोफोन, USB टाइप सी, स्पीकर ग्रिल, लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ सिम कार्ड ट्रे, ऊपर 3.5 mm जैक, एंड देन यू ऑल्सो हैव अ इंफ्रारेड सेंसर, सो नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन नहीं है। राइट हैंड साइड में दोस्तों वॉल्यूम रॉकर है अप एंड डाउन, एंड देन यू हैव पावर ऑन ऑफ बटन जो बेसिकली फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। वैसे स्क्रैच गार्ड जो है वो लगा हुआ है, सो निकालना तो बनता है। Oh yes. Very nice. इसका वजन अगर मैं कहूँ तो should be about 184-185 grams. I'm not going to, आजकल ना guessing में बहुत wrong जा रहा हूँ मैं, but ठीक है 184-185 grams. Let's see. That's what I think. 98 grams, my god. लेकिन शायद इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लग रहा है मुझे, आई थिंक इतना ज्यादा हैवी नहीं लग रहा है डेफिनेटली। वैसे गिरा के तो देखना है दोस्तों। जी हाँ, गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आता है आगे की तरफ, पीछे पता नहीं है, बट ग्लास बैक है, गिराएंगे जरूर। लेट्स डू दिस, 1, 2 and 3, नहीं पीछे से, 1, 2 and 3, ओके, नहीं दोस्तों कुछ नहीं हुआ है। यस, फोन इज इन परफेक्ट शेप। जी हाँ, तो बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है। वैसे चलिए स्टार्ट करते हैं फोन को, जब तक फोन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब वगैरह कीजिए। वैसे बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं हमारे अनबॉक्सिंग, अच्छे लगते हैं, लाइक करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू डू। वैसे दोस्तों इसके साथ और एक कलर भी आता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ब्लैक कलर है, आई विल शो दैट टू यू। So two colors, look at this. Black वाला भी बहुत अच्छा दिखता है, by the way. Looks very nice. But fingerprint magnet जरूर है दोस्तों, so you'll have to use the case. चलिए फोन स्टार्ट हो गया है। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, बड़ा दोस्तों 6.79 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आता है इसमें, 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट है। याद रखिए इसकी प्राइस जो है 9999 या 9,500 तक होने वाली है, 10,000 के ऊपर नहीं है जो बेस वेरिएंट है, सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें बेस वेरिएंट जो है दोस्तों वो 4GB 64GB आता है एंड और एक वेरिएंट है 6128। दोस्तों अगर बेजल्स के बारे में बात करूं तो साइड के ऊपर के बेजल्स एवरेज साइज है, चिन एवरेज स्लाइटली बड़ी है बट स्टिल वेरी वेरी मॉडर्न। जी हाँ, सेंटर पंच होल आता है एंड डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, व्यूइंग एंगल्स वगैरह सही में अच्छे हैं, बड़ा डिस्प्ले है जैसे मैंने बताया। दोस्तों अगर ब्राइटनेस के बारे में बात करूं, 550 nits ब्राइटनेस है, सो यू नो डिसेंट ब्राइटनेस आल्सो। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है Qualcomm Snapdragon 4th Gen 2 इस प्रोसेसर के ऊपर, which is a very very capable प्रोसेसर। अगर अंदर तो स्कोर के बारे में बात करूं तो 440-450,000 तक इसका स्कोर आता है, क्वाइट डिसेंट। जी हाँ, मिड रेंज का है बट प्राइस इसकी सही में कम है, उस हिसाब से मैं कहूंगा प्रोबेबली द हाइएस्ट अंतुदु स्कोर इन अंडर 10,000 सेगमेंट। तो परफॉर्मेंस के मामले में भी सुपर सुपर स्मूथ। गेमिंग के बारे में बात करूं तो HD हाई सेटिंग पे 30 FPS गेम प्ले आप कर पाओगे, which is again excellent in this price range. जैसे मैं बताया दो वेरिएंट्स आते हैं, 4GB 64GB एंड 6128 एंड 6GB आपको वर्चुअल रैम भी मिलती है। LPDDR4X रैम टाइप है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, 5000 mAh की बैटरी है, 18 वॉट चार्जिंग है, ऑल्दो अडैप्टर 22.5 वॉट का ही। और इसके बारे में बात करूं दोस्तों, MIUI 14 आता है आउट ऑफ द बॉक्स, विच इज बेस्ड
लॉन्च्ड ऑन एंड्रॉइड 13 एंड पोको ने, एंड शायद 10,000 के नीचे पहली बार होगा कि कोई ब्रांड इतना आपको अपडेट्स के बारे में बता रहा है। 2 साल के मेजर अपडेट एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलने वाले। ओनली थिंग इज टाइमली अपडेट्स आने चाहिए। कमिट तो करते हैं बट टाइमली अपडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जी हाँ, थर्ड पार्टी एप्स है इसके अंदर, ग्लांस वगैरह सेटअप करते समय वो भी आता है दोस्तों, ऑब्वियसली आप अनचेक कर सकते हो उसे। और हाँ, एक अच्छी बात है OS की, जो डायलर है वो MIUI डायलर आता है, नॉट गूगल वन। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया। जी हाँ, ये IPS LCD डिस्प्ले, बट इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। 3.5mm जैक है, मोनो स्पीकर्स आते हैं जो लाउड है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ओवरऑल अ वेरी गुड मल्टीमीडिया डिवाइस अंडर 10,000 फॉर श्योर। लेट्स टॉक अबाउट सेंसर्स। जी हाँ, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है और सभी बाकी के सेंसर्स भी आते हैं, एंड यस दे वर्क वेल। कनेक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो द चीपेस्ट 5G फोन। जी हाँ, ये 4Gen 2 एक 5G प्रोसेसर है, 7 5G बैंड का सपोर्ट है। बेसिकली जो भी बैंड इंडिया में है वो सब सपोर्ट करता है, सो 5G इज देयर। डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 है, तो ये सब चीजें। वैसे मैं आपको सिम कार्ड ट्रे दिखाना भूल गया। सिम कार्ड ट्रे जो है, आई विल सी, डेडिकेटेड तो होना चाहिए, लेट्स सी। ऑलराइट, हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है दोस्तों, सो या तो 2 सिम कार्ड या फिर 1 SD कार्ड एंड 1 सिम कार्ड आप इस्तेमाल कर पाओगे, 1 TB तक स्टोरेज जो है एक्सपैंड कर पाओगे। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द स्मॉल स्मॉल फीचर्स। जी हाँ, FM रेडियो आता है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, SAR वैल्यू विद इन लिमिट है। पोको ने कहा है कि ये स्प्लैश प्रूफ डिजाइन है, सो दैट इज देयर। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, तो फुल HD स्ट्रीमिंग वगैरह आप कर पाओगे। चलिए, कैमरा के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगेन, जब बजट सीरीज के होते हैं हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, फिर भी इसका जो प्राइमरी सेंसर है दोस्तों, दैट इज 50 MP और 2 MP का जो है वो डेप्थ सेंसर है। आगे की तरफ आपको 8 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। ओरिजिनल क्वालिटी में जो फोटोज निकाले हुए हमने अलग अलग कंडीशन में, उसकी जी ड्राइव लिंक दे रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो ये फोन बाय करना, जरूर जाके ओरिजिनल क्वालिटी में फोटोज देखिए, ताकि आपको पता चले कि इसका कैमरा कैसा है। याद रखिए, फर्स्ट इंप्रेशन है, ज्यादा टाइम हमने नहीं बिताया, बट नॉर्मल कंडीशन में फोटोज अच्छे आते हैं, इतना मैं जरूर कहूंगा। वैसे वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 1080p एट 30 FPS आप शूट कर पाओगे। कैमरा ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं तो 7 फिल्म फिल्टर्स वगैरह हैं, तो अलग अलग फिल्टर्स यूज करके अलग अलग टाइप के मूडी फोटोग्राफ्स आप निकाल पाओगे। कैमरा ऐप के बारे में बात करूं तो क्लीन एंड मिनिमल UI ऐप है, और स्टैंडर्ड जो फीचर्स है दोस्तों, पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स मोड, ये सब चीजें आती है। नाइट मोड भी है, बट ठीक ठाक है, आई मीन दैट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। ओवरऑल आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद पोको M6 प्रो। जी हाँ, ग्लास बैक कौन देता है 10,000 के नीचे, एंड अगेन 2023 में वो लेके आना, दैट्स अ बिग थम्स अप फॉर श्योर। हाँ, इसका जो बेस वेरियंट है 4GB 64GB का है, अगर आपको लेना है तो शायद 1,500 रुपए ज्यादा देके 6/120 लीजिएगा। आई थिंक दैट विल परफॉर्म वेरी वेरी वेल। परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी, ओवरऑल आई मीन सीरियसली मैं इस फोन को 10,000 के नीचे डेफिनेटली कहूंगा वन ऑफ द top 3 फोन्स इन दिस प्राइस रेंज फॉर श्योर। बीच में ऐसे लग रहा था कि यू नो 15,000-20,000 के ऊपर अच्छे फोन से 10,000 की प्राइस रेंज में है ही नहीं, बट आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग एंड आई एम हैप्पी विद इट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।